हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आज भी आ गई हूँ और एक नया ब्लॉग लेके आप लोगों के सामने। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है सोमवार सुबह, मैं उठ के यहाँ पे आई हूँ फूल लेने के लिए मेरे पौधे से। और देखिए सारे पौधे कैसे अपने जगह से हिल गया है, ऐसा लग रहा है कि सो गया है सारे पौधे। क्योंकि पता है कल रात से बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है। पता नहीं, इधर तो उतनी ज़्यादा बारिश होती नहीं है, कल रात से बारिश हो रही है। आज सुबह भी बहुत बारिश हो रही थी तो इसलिए सारे पौधे जो ऐसे हो गए हैं। मैंने सुबह उठ के नहा चुकी हूँ, पूजा भी कर चुकी हूँ। यहाँ पे मैं ठंडा कर रही हूँ बाबू का सुबह का नाश्ता, और मेरे हस्बैंड अभी भी सो रहे हैं। मेरे बेटा जो है वो बार बार जाके इसके पापा को बुला रहे हैं, पापा उठ जाओ उठ जाओ। वो तो नहीं उठ रहे हैं, वो बार बार उठ के सो रहे हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज है मंडे और सुबह के अभी बज रहे हैं 6 बजे। सुबह मैं नहा चुकी हूँ, नहा के पूजा वूजा सब कुछ कर चुकी हूँ। अभी मैं जाऊँगी मेरे पड़ोस में एक आंटी है उनके घर में। वो मतलब आज उनके घर में पूजा है, सत्यनारायण की पूजा है, तो वहीं पे जाएंगे। मैं और बाबू दोनों नहा चुके हैं, मेरे हस्बैंड अभी भी सो रहे हैं, तो वो पता नहीं कब तक उठेंगे। उससे पहले मैं अभी बाबू को खाना खिलाऊंगी, उसे खिलाऊंगी। अभी दूध है थोड़ा सा कल का रखा हुआ, तो दूध और बिस्कुट खिला के बाबू को वहाँ पर ले जाऊँगी मैं अभी। का जो लड़का है उसका तबीयत 5-6 महीने पहले बहुत ही ख़राब था। मतलब ऐसा था कि बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था, पूरा पैरालिसिस जैसे हो जाता है, पूरा ऐसा हो गया था, हाथ पैर पूरा शरीर। मतलब वो बचेगा ये भी मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था उस टाइम पे। और उसके बाद दूध खोला था। उस टाइम पे आंटी जी ने मन्नत मांगी थी कि अगर मेरा बेटा सही हो जाए तो सत्यनारायण का कथा सुनाएंगे सबको और पूजा करेंगे। तो वो ही है, अभी तक पूरा ठीक नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत ठीक तो हो ही चुका है। अभी भी मतलब पैरों में बहुत ही कमजोरी है, वो उठ के खड़ा तो हो जाता है लेकिन चल नहीं पाता है। तो चलिए आज का दिन स्टार्ट करते हैं। अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पे मूर्ति स्थापना हो चुका है, यहाँ पे बैठा है हमारा गोपाल किशन जी, और बिल्कुल साइड में है सत्यनारायण की मूर्ति, और घट स्थापना हो रहा है। यहाँ पे पंडित जी आ चुके हैं, और पंडित जी हमारा बिल्कुल पड़ोस में ही रहता है इसलिए सुबह सुबह आ गए हैं। और आंटी जी का मतलब उनके फैमिली में ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, चल रहा है उसके फैमिली में, तो आंटी जी इसलिए सुबह सुबह बिल्कुल सुबह सुबह पूजा शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए केले के पत्ते ऐसे करके रख के उसके नीचे भगवान जी का स्थापना किया है। पता नहीं क्यों यहाँ पे ऐसा ही होता है, हमारा कलकत्ता में तो ऐसा नहीं होता है। तो देखिए सब लोग आ गए हैं, अभी भी बहुत लोग आना बाकी है। तो यहाँ पे हम पूजा स्टार्ट कर दिया है, और यहाँ पे जो बैठा है पूजा कर रहा है पंडित जी के साथ, वो है आंटी जी का बड़ा लड़का। इसका ही तबीयत बहुत ख़राब था और अभी भी है, फिलहाल तो सही है लेकिन है, तबीयत बहुत ख़राब है। तो इसके हाथों ही आंटी जी पूजा करवा रहे हैं, क्योंकि इसका ही जो मन्नत है वो आज पूरी की जा रही है। तो चलिए देखते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। आशा करती हूँ आप मेरे साथ साथ आप लोगों को भी बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए देखते रहिए। तुम तो साधु हो, तुम्हें चीजों से क्या लेना। पर तुमने जन कल्याण के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है कि जिस व्रत के करने से व्यक्ति जो है मुझसे जुड़ जाता है, वो व्रत में तुम्हें बताता हूँ। तुम भगवान कहते हैं सत्यनारायण भगवान का व्रत जो है विधि पूर्वक करने से तत्काल सुख मिलता है,
और अंता मोक्ष का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो नारद मुनि बोले, हे भगवान मुझे ये बता दो इसका क्या फल है और इसका क्या विधान है और किस दिन ये करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं, देखो नारद मेरा व्रत जो है दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान का दाता, सर्वस्त विजयी दिलाने वाले भगवान सत्यनारायण का व्रत जो है मनुष्य किसी भी दिन श्रद्धा भक्ति के साथ नहीं कर सकता, किसी भी दिन, इसमें कोई शायद पूछने की जरूरत नहीं है। कहते हैं शाम के समय अपने धर्म व्रत होकर के ब्राह्मणों के सहयोग से बंध बांधवों के साथ मिलकर के भगवान सत्यनारायण का उत्तम व्रत का पूजन करें और भक्तिपूर्वक खाने के लिए उत्तम प्रसाद होना चाहिए, वो भी सवाया कैसा होना चाहिए, केले के फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं के आटे से बना हुआ होना चाहिए। अगर गेहूं का आटा ना मिल पावे तो चावल का आटा ले लेना चाहिए, अगर चीनी ना मिल पावे चीनी के स्थान पर गुड़ मिला लेना चाहिए। भगवान कहते हैं सब सवाया नैवेद्य बना करके मुझे अर्पित करें, इसके बाद मेरी छोटी सी सुंदर कथा को सुने, ब्राह्मणों को दक्षिणा देना चाहिए और स्वयं भोजन करना चाहिए। शाम के समय भगवान सत्यदेव का जागरण भी करना चाहिए। कहते हैं ऐसे पूजन करने वालों की मनोकामना जो है कलियुग के जमाने में बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती है, विशेष करके पृथ्वी पर मोक्ष का सरल उपाय यही है सत्यदेव भगवान की कथा। इस सर्वे संग प्राण देवा घटे सतनाम कथाया प्रथम अध्याय पूर्ण करो, सत्यदेव भगवान की जय। पूजा अभी तक हुआ नहीं है, पूजा तो वैसे हो चुका है, कथा सुन लिया है हम लोगों ने, अब होगा हवन। हवन होने से पहले मैं आई हूँ घर पे, दूध वाले के आने के टाइम भी हो चुका था, 10:30 बज गया है, तो दूध वाले आए हैं, दूध ले लिया है, अब खौलाने के लिए रख दिया है और उधर चल रहा है हवन की तैयारी। बाबू भी वहीं पे ही है, खेल रहा है। मैं आ गई हूँ पंडित जी की दक्षिणा लेने के लिए, क्यों जाने के टाइम पे तो पूजा भी शुरू नहीं हो चुका, सुबह मैं जब जा रही थी तब पूजा शुरू नहीं हुआ था, इसीलिए दक्षिणा भी तब नहीं लेके गई थी। तो अब सोच रही हूँ आज दूध भी खोला के रखती हूँ और दक्षिणा भी ले जाती हूँ, तो चलिए देखते रहिए। आशा करती हूँ ये ब्लॉग आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, तो चलिए देखते रहिए। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम श्री ग्रीं श्री महालक्ष्मी 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 नमः स्वाहा। ओम राम रामाय 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 नमः स्वाहा। ओम हम हनुमते नमः स्वाहा। पूजा ऑलमोस्ट कंप्लीट है, अभी होगी आरती। आरती के लिए यहाँ पे पंडित जी थाली सजा रहे हैं कपूर से, दिया से, तो अभी आंटी जी करेंगे आरती, क्योंकि आकाश मैंने आंटी जी का जो बेटा है उसे ही करना था आरती, लेकिन वो उठ के ज़्यादातर खड़ा नहीं रह पाएगा और वैसे भी पैर फैला के बैठा है बहुत देर से, बैठ भी नहीं जा रहा है उससे, तो आंटी जी आरती करेंगी। अरे जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा
यहाँ पे मेरे हस्बैंड बैठ के खाना खा रहे हैं और बिल्कुल उस साइड पे जो व्हाइट कलर का शर्ट पहन के बैठा है वो भी एक जीजा है, वो भी खाना खा रहे थे। और खाना खाने के बाद हम लोग घर पे चले आए हमारा घर पे, और घर पे आके देखा कि हमारा एक कुरियर आया है, वो ही रिसीव करने में नीचे आ गई थी। पूजा से आने के बाद वहीं पे हम लोग खाना वाना खा चुके थे। आंटी जी हमारे लिए खाना बनाई थी। और बाबू को देखो, अब बाबू को देखो यहाँ पे सुला दिया है, वो सो रहा है। और यहाँ पे आया है अमेजोन से कुछ सामान, चलो आपको भी दिखाते हैं क्या क्या है। और कोई भी पार्सल आता है तो मेरा दिमाग हर टाइम घूमता रहता है कि मैं कब कमरे में जाऊँ और पार्सल को खोलूँ और देखूँ अंदर क्या क्या है। मैंने जो सामान मंगवाया है क्या वो वही है, और क्या पता दूसरा आ गया हो। तो यहाँ पे मैंने देखी है, बाबू के लिए मैंने बुक्स मंगवाया है अमेजोन से। मैं बाबू के लिए अलग अलग बुक्स मंगवाना चाहती थी, जैसे कि 1-2 का अलग, ABCD के अलग, हिंदी के अलग, सब कुछ। तो वैसे मुझे अमेजोन में मिल गया। और यहाँ पे जो बुक्स मैंने लेके आई थी वो उसमें ना छोटे छोटे पशु पक्षी जो है, छोटे छोटे बिल्कुल पिक्चर होता है, बच्चों को वो पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है क्योंकि वो अभी छोटे हैं, उसे बड़े बड़े पिक्चर देखना अच्छा लगता है। तो मैं ऐसे बड़े बड़े पिक्चर वाला जो किताब है वो मंगवाया है, और एक स्टोरी बुक है ताकि उसे पढ़ने में मज़ा आए और मुझे पढ़ाने में उससे भी ज़्यादा मज़ा आए। क्योंकि अगर मैं उसे पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाऊंगी तो वो पढ़ना बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। और एक स्टोरी बुक है जिसमें छोटे छोटे स्टोरीज है उसमें।